हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने इसकी सेकंड वीडियो में आपको कराया था एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स। आज हम करेंगे रेड डाटा बुक। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा बुक के बारे में बताते हैं। ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। वे उन्हें बताते हैं कि जो रेड डाटा बुक है, ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनका एक रिकॉर्ड है। और ये बुक कौन मेंटेन करता है? दिस बुक इज़ मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको मेंटेन करती है। इंडिया आल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन एन एरिया। जो हमारा देश के अंदर भी एक रेड डाटा बुक है जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं उनका एक रिकॉर्ड उसके अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइग्रेशन। द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डीपर इन टू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। जो एक्सकर्शन पार्टी है, जो जितने बच्चे हैं वे सारे फॉरेस्ट के अंदर डीपली जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? अंडर द माधव जी जो गाइड हैं उनके साथ जाते हैं। दे सिट नियर द तवा रिजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। वे वहाँ पर रिजर्वायर के पास आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। पहली क्या देखती है, वहाँ पर कुछ अलग तरह के बर्ड्स हैं। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माधव जी बताते हैं बच्चों को कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और ये वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से यहाँ पर उड़कर आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो चेंज हो जाता है, तो ये दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। वे वहाँ पर एग्स देने के लिए जाते हैं क्योंकि जो उनका अपना नेचुरल हैबिटेट होता है बहुत ही ठंडा हो जाता है और बहुत ही वहाँ पर उनको असुविधा होती है। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ऐसे बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं जो दूसरी लैंड पे जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करके दूसरी लैंड पे जाते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का दूसरा मेन कारण क्या है। He tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. वो बताते हैं कि 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 बड़े पौधे लग जाते हैं, बड़े ट्रीज लग जाते हैं, इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकिल 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि पेपर को रिसाइकिल करके 5 से 7 बार यूज़ किया जा सकता है। If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. अगर एक बच्चा हर रोज एक कागज की बचत करता है तो हम एक साल के अंदर बहुत से ट्रीज को हम बचा सकते हैं। We should save, reused paper and recycle it. तो हमें बचत भी करनी चाहिए। एक बार जो पेपर यूज़ हो जाता है उसको हमें दोबारा से यूज़ करना चाहिए और उसको रिसाइकिल भी करके यूज़ करना चाहिए। By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. अगर हम ऐसा करते हैं तो ना हम केवल trees को बचाते हैं बल्कि इससे energy को बचा सकते हैं और पानी को भी बचा सकते हैं जो paper बनाने में use होता है। Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. और दूसरा, जो पेपर बनाने में जो हार्मफुल केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो अमाउंट यूज़ होता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। इज़ देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? पहली क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ वी हैड नो वुड। क्या होगा अगर हमारे पास लकड़ी नहीं होगी? इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल टू वुड। क्या लकड़ी का कोई दूसरा विकल्प है? अगर लकड़ी ना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे?
आई नो दैट पेपर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, और मुझे मैं जानती हूँ कि जो फॉरेस्ट से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. आई वंडर वेदर देयर आर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर पेपर. मैं पूछना चाहती हूँ क्या पेपर का कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी है. रिफॉरेस्टेशन. प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन. प्रोफेसर अहमद सजेस्ट करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का जवाब है रिफॉरेस्टेशन. व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन? रिफॉरेस्टेशन इज स्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. जो जंगल नष्ट हो जाते हैं वहाँ पर नए ट्रीज लगा के हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं. द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ सेम स्पीशीज विच वर फाउंड इन दैट स्पीशीज. और हमें उसी वही ट्रीज हमें वहाँ पे प्लांट करने हैं जो पहले थे. वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट. और जितने पेड़ हम काटते हैं हमें उतने तो लगाने ही चाहिए. रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. रिफॉरेस्टेशन नेचर के अंदर भी होता है. इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट एंड अनडिस्टर्ब इट री एस्टेब्लिश इट्सेल्फ. अगर कोई खाली जगह है अगर उसको हम खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद ये अपने आप को दोबारा से ग्रो कर लेता है. इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स. और इसके अंदर जो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन है इसके अंदर ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता. वी हैव ऑलरेडी कॉज ट्रिमेंडस डैमेज टू अवर फॉरेस्ट. हमने अपने जंगलों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया है, बहुत ज़्यादा डैमेज किया है उनको. इफ़ वी हैव टू रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर. अगर हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए अगर ग्रीन वेल्थ अपने पेड़ पौधों को बनाए रखना है तो क्या करना होगा? प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना ही एक विकल्प है. प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि हमारे देश के अंदर फॉरेस्ट एक्ट बनाया हुआ है. दिस एक्ट इज़ एंड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट. और इस एक्ट का इस नियम का लक्ष्य क्या है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं, जो प्राकृतिक जंगल हैं, उनको कंजर्वेशन देना, उनको प्रिजर्व करना, और वहाँ पर रहने वाले लोग हैं जो उसके आसपास रहते हैं उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना. आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आज द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट. कुछ देर आराम करने के बाद माधव जी बच्चों से कहते हैं, बच्चों को वापस चलने के लिए कहते हैं क्योंकि जंगल के अंदर सूर्यास्त के बाद रहना सही नहीं होता. ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. वापस आने पर प्रोफेसर अहमद और बच्चे माधव जी को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उनकी गाइडेंस के बगैर ये रोमांचक अनुभव भी नहीं कर पाते. नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड्स. तो चैप्टर की वीडियो के अंदर ये सारे वर्ड्स आ चुके हैं, मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ. बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है किसी भी एरिया के अंदर जो वहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब मिलके बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर क्या होता है? दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. डीफॉरेस्टेशन. डीफॉरेस्टेशन होता है मतलब जगह फॉरेस्ट को काटना, ट्रीज को काटना और उस लैंड को कल्टीवेशन के लिए या घर बनाने के लिए या फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ करना. डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन में क्या होता है कि जो फर्टाइल लैंड होती है वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है सोइल इरोजन की वजह से. इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एलोंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे सॉयल है, क्लाइमेट है. नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीशीज़. ऐसे स्पीशीज़ जो
जिनका नंबर इतना ज़्यादा कम हो गया है कि वे एक ना एक दिन दे विल फेस एक्सटिंक्शन. एंडेमिक स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाए जाते हैं, दूसरी जगह पर भी नहीं पाए जाते. एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट होते हैं जो लुप्त हो चुके हैं. विच एग्जिस्ट नो मोर. फोना, फोना होता है एनिमल्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया. फ्लोरा होता है प्लांट्स, प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स जब उनके अपने नेचुरल जो हैबिटेट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वे दूसरे एरियाज के अंदर उड़कर आ जाते हैं. नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क क्या है, ये बहुत ही बड़े होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं ये होल सेट ऑफ इकोसिस्टम्स को. रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर एंडेंजर्ड एनिमल्स, जो एनिमल्स एक्सटिंक्शन फेस करने वाले हैं जिनका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो उनका रिकॉर्ड होता है इस बुक के अंदर. रिफॉरेस्टेशन होता है जो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं फॉरेस्ट उनको रीस्टॉक करना, वहाँ पर नए ट्रीज लगा के, नए प्लांट्स लगा के. सेंचुरीज, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं ये भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं और इनके अंदर एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है. व्हाट यू हैव लर्न्ड, ये क्या है, ये इस चैप्टर के यहाँ पे समरी है, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर नेम गिवन टू द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स. तो जो ये सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये ऐसे एरियाज हैं जिसमें फॉरेस्ट को और वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है और उनको प्रिजर्व किया जाता है. बायोडाइवर्सिटी, इट रेफर्स टू ए वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ए स्पेसिफिक एरिया. प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा और एनिमल्स को बोलते हैं फूना ऑफ दैट एरिया. एंडेमिक स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया. एंडेंजर स्पीशीज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. रेड डाटा बुक, दे कंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर स्पीशीज. माइग्रेशन इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ ए स्पीशीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज लाइक ब्रीडिंग. ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन का प्रोसेस होता है. इसमें क्या होता है, कुछ स्पीशीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आ जाते हैं क्योंकि जो उनका अपना नेचुरल हैबिटेट होता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है. वी शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकिल पेपर टू सेव ट्रीज एनर्जी एंड वाटर. हमें ट्रीज़ को, एनर्जी को और वाटर को बचाने के लिए पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए, पेपर को सेव करना चाहिए, पेपर को रीयूज़ करना चाहिए. रिफॉरेस्टेशन क्या है, रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट. जो जंगल नष्ट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, वहाँ का पर अगर हम नए ट्रीज लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा रिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज. थैंक यू बच्चों.